अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ये वीक का लास्ट प्रोग्राम होता है, इसमें आज हम जरा अपने पॉलिटिकल गेस्ट से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि बड़ी बातें हो गई माइनस वन की, बड़ी बातें हो गई वफाकी बजट के अगेंस्ट। बहुत सारी बातें अपोजिशन करती है मौजूदा हुकूमत की कॉम्पिटेंस के हवाले से, हमेशा से उन्हें ना अहल ना लायक कहती है। आज कौमी असम्बली का इजलास भी आपके सामने है, जिसमें कराची की बिजली के हवाले से भी बड़ी धुआंधार तकारीर भी हुई, आपस में ज़रा गर्मा गर्मी भी हुई। लेकिन ये ऑपोजिशन जो कि शायद मिलने को है, पहले सुना था कि पहले मिलेगी, क्योंकि नून लीग के सीनियर रहनुमा ने वफाकी बजट के बाद ये कहा था कि ऑपोजिशन मिलेगी और हम सोचेंगे। अभी हम ये कुल्ली तौर पर तो नहीं कह सकते कि किसी तहरीक का सोचा जा रहा है या नहीं, लेकिन अलबत्ता ऑपोजिशन मिलेगी और कोई ना कोई लाहे अमल बताया जाएगा। JUI सिंध में हमने देखा है कि आज मौलाना फजल रहमान की सदारत में तमाम पार्टीज़ को मदु किया गया है। उन्होंने तीन मुद्दे रखे हैं जिस पर ये डिस्कशन है, एक 18वीं तरमीम, एक NFC अवार्ड और तीसरा जो मुआशी सूरत हाल है। अब आज मैं अपने मोहतरम मेहमान जो कि दो अपोजिशन जमातों से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोहिस्तानी साहब जो कि कौमी असम्बली के मेम्बर भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे शौकत बसरा साहब। आज हम बात यही करेंगे कि क्या वाकई अपोजिशन मुतहद होने को है और क्या वो वक्त आ गया है कि जिस हिसाब से मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ आप सब बात करते हैं कि आप किसी इन हाउस चेंज की बात की जाए, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब भी बहुत कुछ कह चुके हैं, कहते हैं कि माइनस वन नहीं अब तो -160 होगा, यानी वो वोट की तादाद उन्होंने बताई जो कि वफाकी बजट पास कराने के लिए मौजूदा हुकूमत के पास थी। और वैसे भी अपोजिशन ये कहती है कि 172 वोट्स हासिल नहीं कर सके वज़ीर आज़म इमरान खान, और इसलिए मॉरली उनको चाहिए कि वो एतमाद का वोट वापस हासिल करें। जबकि ट्रेजरी बेंचेस से ये सदा आई कि अगर अपोजिशन में दम है तो वोट इनका एतमाद का वोट हासिल करने के बजाय ज़रूरी है कि आप फिर तहरीकी अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा कराएं और ले कर आएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये अपोजिशन मुतहद क्यों नहीं हो पाती, क्या इनको कोई मुतहद होने नहीं देता, या आपस में ये एक बिल्कुल ही अननेचुरल सा अलायंस है। We're going to talk about this right after this very short break. वेलकम बैक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, शौकत बसरा साहब और खेलदास कोहिस्तानी साहब आज की नशिस्त में हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, ये बड़ी खबरें थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग की आला कयादत से, यानी दोनों आला कयादत जो हैं वो मिलने को हैं और शायद किसी तहरीक के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन अब तक ये मुलाकात हो नहीं पाई। क्या वाकई ऐसी कोई मुलाकात ऑन द कार्ड्स है और कोई तहरीक के हवाले से भी सोचा जा रहा है? शुक्रिया शुक्रिया नादिया, मुलाकातें होती रही हैं लेकिन बिल्कुल बजट से पहले मुलाकात मतवक्को थी कि तमाम अपोजिशन पार्टीज, और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सजेशन थी कि हम लोग बजट से पहले एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें और बजट के ऊपर अपने पॉइंट्स बनाएं, हुकूमत को टफ टाइम दें पार्लियामेंट के अंदर और हुकूमत का ये बजट रिजेक्ट करवाएं। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब की बीमारी की वजह से शायद अब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। हमने अपने पाकिस्तान पीपल्स तमाम सूबों के अंदर सूबाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और GB में भी और आजाद कश्मीर में मुनक्कद करवा ली थी, उसका आपको इल्म है। तो अब ये मरकज के लेवल पे मियां शहबाज शरीफ साहब की बीमारी की वजह से मुलतवी हुई, अभी तक हम मुंतजर हैं। अभी बात तो हुई है एक दिन पहले मियां साहब की और चेयरमैन बिलावल साहब की, जिसमें ये तय हुआ कि अब ये जल्द अज जल्द होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर बहुत सारा इसमें कमी रही है, तजब्जुब रहा है, तो उसे इस हकूमत को, वो हकूमत जो इस वक्त बुजदारी परफॉर्मेंस के साथ चल रही है, यहाँ पे बुजदार ऊपर बुजदार प्लस और बुजरा, आप इनके नौ रतन देखें, तो अगर इन्हें हम अवाम इनसे बेजार और तंग हैं और अगर अपोजिशन पार्टीज जॉइंटली मुत्तहद होके इन्हें हटा नहीं सकी हैं या इन्हें उस तरह से खत्म नहीं कर सकी जो कि एक सियासी अंदाज है, तो इसमें हमारी कमी है। और इसमें हम दरख्वास्त करेंगे अपनी अपोजिशन जमात PMLN से, क्योंकि आपने देखा चेयरमैन बिलावल भुट्टो फ्रॉम द फर्स्ट डे एक तगड़ी अपोजिशन कर रहे हैं, वाहिद तमाना आवाज है अपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वो रोल जो वो कर सकते थे, जो उनका इस्तेहकाक है, नादिया आप समझती हैं कि जो अपोजिशन लीडर होता है वो जब चाहे खड़ा होकर सीट पर बात कर सकता है, उसे इस्तेहकाक होता है, ये इस्तेहकाक बिलावल साहब को हासिल नहीं है, तो मियां साहब वो नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद आप याद रखें कि यही PMLN थी जब हमारी हुकूमत थी 2008 से 2013 के दरमियान, तो रोज जुलूस निकलते थे, वो मीनारे पाकिस्तान पे एहतजाजी कैंप होता था, वाडा के दफातर पे तोड़ फोड़ होती थी और इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च होते थे। तो मैं कहता हूँ भाई, इतनी 5
5-10% ऑपोजिशन इतनी कर लें, हम तो एक मुंतखब हुकूमत है, सिलेक्टेड हुकूमत के लिए तो कोई 5% ऐसी हमें मुजामती सियासत की जरूरत है। अच्छा, अब ये शायद इन्हें निकलना पड़ेगा, बाद में ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये मुजामती सियासत बिल्कुल आपने सही कहा, जिसके जिसके हवाले से आपके जो दूसरे पार्टनर हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब यानी आपकी जमात, उसने कभी मुजामती सियासत की नहीं है। और ये बात भी ठीक है कि अपोजिशन लीडर वो रोल शायद अदा नहीं कर सके हैं अब तक पार्लियामेंट में, और खुद पूरी मुत्तहद अपोजिशन भी नहीं हो पाई है कि आप इस हुकूमत के खिलाफ कोई एक एक ठोस किस्म की जो इसे कहते हैं ना फोर्स बनकर सामने आए। तो क्या नून लीग किसी किसी ना किसी इशारे के, किसी फिर डील के, किसी कॉम्प्रोमाइज के इंतजार में रहती है, या रीजन ये है कि आपकी लीडरशिप या नहीं है, इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जैसे होनी चाहिए थी? नादिया बड़ी मेहरबानी, पहली बात ये कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है और कोविड की वजह से ये तो एपीसी नहीं हो सकी थी, वो सबको पता है। कल भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बात हुई है। अपोजिशन का जो किरदार है, जो अपोजिशन लीडर का, उस पर बहुत से ये तनकीद करते हैं हमारे दोस्त कि शहबाज शरीफ साहब इस तरह रोल नहीं अदा किया, मगर आपने देखा कि शहबाज शरीफ पहले दिन से जिस तरह इमरान खान और हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। देखो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामानी जो तरीकेकार होता है उस हिसाब से बात की। अब हुकूमत गिराना ना या गिराना ये किसी एक पार्टी को फैसला नहीं करना है, ना कोई ऐसी सिचुएशन थी। बाकी रही बात पहले दिन से, आपने देखा जब मार्च हुआ था, एक मिनट आप लोग -1 का मुस्तकर खाकान अब्बासी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि असेंबलियां कंप्लीट हों लेकिन अगर कोई इन हाउस तब्दीली आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, और अब -160 होगा, ये कैसे मुमकिन होगा जब तक ऑपोजिशन ही मुत्तहिद नहीं है? देखिए माइनस इमरान खान निकले थे नवाज शरीफ साहब को माइनस करने, वो नवाज शरीफ साहब को माइनस तो नहीं, वो आज भी आवाम के दिलों में राज कर रहे हैं। और जब लोड शेडिंग हो रही है, नवाज शरीफ साहब बिजली इतनी देंगे गया, फिर पाकिस्तान की आवाम आज भी नवाज शरीफ को याद कर रही है। जब महंगाई बढ़ गई है तो लेकिन माइनस तो हुए ना पार्लियामेंट से, माइनस तो हुए नहीं, नवाज शरीफ माइनस नहीं हुआ है, माइनस इमरान खान खुद हुआ है, और खुद उसने आके फ्लोर पे कहा है कि अगर मैं माइनस हो गया तो मेरे फलान फलान बैठे हुए, तो कौन करेगा माइनस? मेरा सवाल यही है ना, आप लोग माइनस 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 इमरान को अपनी कारकर्दगी ने किया है, माइनस इमरान खान के रवैये ने किया है, माइनस इमरान खान को नायली और नालायकी ने किया है, माइनस इमरान खान को उनकी गलत पॉलिसियों ने किया है। तो माइनस मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने जितना रोल अदा किया है, तो कल भी वो नेब जो इमरान खान का टारगेट PMLN रही है, उनकी सीनियर लीडरशिप रही है, एक एक करके जेल में डाला गया। उसका यही कसूर था कि जब वो फ्लोर पे बात करते थे या अपोजिशन करते थे या आवाम के मसाइल पे बात करते, तो शहबाज शरीफ का और क्या कसूर था? इमरान खान क्यों नहीं उनसे हाथ मिला रहे अपोजिशन लीडर से? वजह यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको टफ टाइम दिया, उसने अपनी बात की। मगर जो भी लायमल है अपोजिशन का, मैं आपको बता दूं, मैं वसूख से बताता हूं कि अपोजिशन मजबूत है और इताद है उनमें, मुनज्जम तरीके से प्लानिंग के तहत जो स्ट्रेटजी है अपोजिशन की, ज्वाइंट अपोजिशन की, वो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब नहीं है तो ख्वाजा आसिफ बड़े ऐसन तरीके से चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कमी कोताही नहीं है। बाकी ये एपीसी होगी, दोनों लीडरान की आपस में बात हुई है, कोविड पे आपने देखा सही है, एपीसी होगी, ओके ओके एपीसी होगी। जरा बसरा साहब से पूछ लेते हैं, एपीसी की थी, ठीक है, तो ठीक हर मामले पे अपोजिशन एक मुनज्जम है, नहीं वो होगी, लेकिन फिलहाल बात हो रही है माइनस की, और बात हो रही है कि आप लोगों ने एक मिनट, आप लोगों ने बार बार ये कहा कि मॉरली खो चुकी है इमरान खान साहब, कि उन्होंने एतमाद उतने वोट्स नहीं मिले इस फेडरल बजट को पास कराने में। बसरा साहब आप क्या समझते हैं, बार बार एतमाद के वोट का जिक्र होता है और अपोजिशन जमातें आपके सामने, बैरिस्टर साहब ने तो खामियां भी बता दी कि क्यों मुत्तहिद नहीं हो पा रहे, आपको लगता है कि अभी भी जब ये मिलेंगे और जिस तरह से मिलेंगे उसके बाद भी कोई चांस ऐसा है कि असेंबली में किसी किस्म का दे कैन यू नो क्रिएट अ स्टर? नादी पहली बात तो ये है कि चूंकि ये अपोजिशन का इशू है और डेफिनेटली पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर जो अपोजिशन होती है वो हमेशा इकट्ठे मिलके चलती है, इश्यूज पे आती है। लेकिन मैंने तो गुज़श्ता 2 साल के अंदर जो देखा है कि इनको आप देख लें कि कोई ना इनका एहतजाज, ना कोई लॉन्ग मार्च, ना कोई जलसा, ना कोई जुलूस, ना कोई तरीके अदम एतमाद,
बल्कि सिर्फ मैं हम रात 7 बजे जब चैनल्स ओपन करते हैं वहाँ से हम जुगतबाजी सुनते हैं, जो थिएटर के ऊपर डायलॉग होते हैं वो चलते हैं, या मौला जट की बड़के होती हैं, या नूरी नाथ के डायलॉग होते हैं, मार देंगे मर जाएंगे, बेड़ा गर्क हो गया। और माइनस देखें, ये मैं तो जब से पॉलिटिक्स में सुनता आ रहा हूँ कि कोई माइनस हो गया, कौमी हुकूमत है, सिलेक्टेड वजीर आजम है, रिग्ड इलेक्शन है, झुरलू इलेक्शन है, झुरलू प्राइम मिनिस्टर, ये बातें होती रहती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये अपोजिशन है, ये अपोजिशन का काम है। पर पिछले 2 साल में तो मुझे यही लगा है कि इनका कहीं पे भी, बल्कि अभी आप दोखले, मैं सुन रहा था पीपल्स पार्टी के अपने भाई को, वो जो बात गुफ्तगू की है वो तो सारी उन्होंने मुस्लिम नून के खिलाफ की है कि जी हमारे खिलाफ तो ये बड़े जलसे जुलूस करते थे, अब ये पता नहीं क्यों नहीं निकलते। तो इसलिए ये इनका सब्जेक्ट है। अब बात रही हमारी के हमें हुकूमत को, देखें मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान की एक मौजूदा आइन जो है उसके अंदर तरीकाकार मौजूद है। सही, अगर आपने किसी को हटाना है उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। भाई अगर इनके पास नंबर्स पूरे हैं, हालांकि जहां इनके पास नंबर्स पूरे थे नादिया, आपको पता है सेनेट में क्या हुआ है, वहां पे भी इनके अपने लोगों ने अपनी अपनी क्यादत पे अदम एतमाद का इजहार किया। अभी भी अगर ये समझते हैं कि हमारे पास मौजूदा लोग पूरे नहीं है तो इन्हें 2 काम करने चाहिए, और हम अगर नाकाम हो गए हैं, हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, तो भाई आप लोग ये सिर्फ जुगतबाजी और डायलॉग रात 7 से लेकर 12 बजे तक चैनलों पे करते हैं, तो आए मैदान अमल में करें, जलसा जुलूस लॉन्ग मार्च धरने करें ना। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने सही कहा। एक तो ये है कि जो स्ट्रीट एजिटेशन की आपने बात की, और दूसरा आपने कहा कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मींस जो तरीकाकार है उसको आप एक्सरसाइज करें। जी एक फिक्रा कह दे, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ क्योंकि बैरिस्टर साहब से। नादिया मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि शो अभी इजलास चल रहा है ना, तो शौक पूरा कर ले, ये तहरीक अदम इत्माद ले आए। अगर हमारे पास नंबर पूरे हुए तो हम वजीर आजम रहेंगे, अगर नंबर पूरे नहीं हुए ठीक है, तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ओके, तो ये पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना ये कि तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन सोच रही है, और बड़ा इसकी बड़ी चैमगोइयां भी हैं, ये सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस के लिए है या पहले कोई और गिरेगा और उसके बाद फिर ये गेयर अप होंगे कि फिर एक एक्चुअल स्टर जो है वो क्रिएट कर सके। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब से पूछते हैं इस हवाले से, राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट वन। वेलकम बैक। बात बड़ी पते की है तो मुश्किल, लेकिन असली बात यही है जो बैरिस्टर साहब ने कहा इस नशिस्त में कि ऑपोजिशन की ये कमाईगी है कि इतनी बड़ी बड़ी 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ और एक्चुअली इस हुकूमत जिसको बहुत कुछ ये लोग कहते हैं, इवन इनकी इनकॉम्पिटेंस हर वक्त कहते हैं कि ये इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन इनको किसी सूरत भी जिसे कहते हैं डेंट पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके। और इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई इन हाउस तब्दीली ही लाई जाए, ऑपोजिशन का किरदार सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि बड़े मसलों पे बैरिस्टर साहब ऑपोजिशन का एक बड़ा कलीदी रोल होता है इस पार्लियामेंट के अंदर। सही कहा बसरा साहब ने ब्रेक से पहले कि अगर आप वैसे देखें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2 बड़ी जमातों के खिलाफ जिस किस्म की एजिटेशन इन्होंने शो की कि जमातें जो हैं उनको पता चल गया था कि देर इज़ वन यू नो पार्टी जो कि पूरे पाकिस्तान में एक तरह से एक हलचल मचा दी है जिसने, लेकिन ये काम पीपल्स पार्टी और ये काम PMLN मिलकर भी नहीं कर पाई है। सो या तो ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं या एज ऑपोजिशन आप लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं। नहीं नादिया, मेरे ख्याल से इसमें बात कॉम्पिटेंस की नहीं है, इसमें बात गैबी मदद की है। हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं। हाँ। जो इन लोगों की एक्टिविटी थी वो आपको याद है, शुजा पाशा साहब ने इन्हें शुरू करवाया, अक्टूबर में मनारे पाकिस्तान में जलसा, किसी से ढकी छुपी बात नहीं, खुद वो लिख भी चुकी हैं किताबों में और आ भी चुकी है बात, और बाद में जिस तरह कंधों पर सवार करके लेके आते रहे हैं वो सब जानते हैं इनकी कोई कॉम्पिटेंस इतने जो भी ये है नहीं। लाहौर के अंदर इनका 1500 का जिसे कि अजीमुशान जुलूस कहते थे हमने देखे हैं सब, लेकिन क्यों कवरेज दी जा रही थी, क्यों शोर मचाया जा रहा था, क्यों एक इनकी हाइप क्रिएट की जा रही थी, वो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने फिर बताया कि अगर ये नहीं कि पार्टीज ने कुछ नहीं किया, बिलावल साहब ने कराची से कश्मीर तक बेहतरीन लाखों की तादाद में जलसे किए हैं,
मरीम बीबी निकली, उसका भी बड़ा अच्छा इस्तकबाल यहाँ पे पंजाब के अंदर हुआ और लोग बाहर निकले, आप जानते हैं हुकूमत इन दोनों से खायफ रही है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ होते पीएमएलएन को लीड कर रहे होते या मरियम बीबी होती तो जरा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी थी। मियां शहबाज शरीफ साहब का मिजाज जरा इक्तदार वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है, तो वो अपोजिशन का स्टफ एक डिफरेंट होता है, शायद इसमें फर्क आ रहा हो, लेकिन हम करते हैं कि पीएमएलएन के दोस्त इसे रिजॉल्व करेंगे इस इशू को और हम आगे बढ़ेंगे। उसी बात ये है कि हम माइनस वन नादिया पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं कहती हम लोगों को, हम तो माइनस वन के विक्टिम है। हमारे चेयरमैन को फांसी दी गई, मोहतरमा को शहीद किया गया, आसिफ अली जरदारी को जेलों में डाला गया, माइनस विक्टिम हम है। हम खुदा की कसम किसी शख्स के माइनस वन होने की बात नहीं करते, हम कहते हैं आप अपनी इनकॉम्पिटेंस को माइनस कर लें, आप अपनी ईगो को माइनस कर लें, आप अपने फिल्दी माइंड को माइनस कर लें, आप अपनी डर्टी लैंग्वेज को माइनस कर लें, आप अपनी ये जो जो आईनी रास्ते हैं अपोजिशन वो इख्तियार करेगी। हम ये जो कहा जाता है का फार्मूला कहीं और से आए, हम उसके अदम एतमाद की तहरीक हो सकता है कि अपोजिशन स्पीकर के अदम एतमाद से स्टार्ट करे, क्योंकि स्पीकर का रोल बड़ा पार्टिजन रहा है, उन्होंने मतलब बड़ा यकतरफा रोल, जानबदाराना रोल प्ले किया है, पार्लियामेंट की तौकीर को कम किया है। तो हो सकता है ऑल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फैसला हो, लेकिन हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर की हद तक बात यह है कि इन्हें अदम एतमाद नहीं, इन्हें जरूरत है। जो हुकूमत अपनी सिंपल मेजोरिटी खो चुकी हो, उसके पास 172 बंदे ना हो, उसे बजट में पूरे जोर के साथ लालच देने के बावजूद, तरक्याती फंड बांटने के बावजूद, नहीं मिले होते वोट, पैसे देने के बावजूद आप 160 तो मिले हैं। आईनी तौर पे इस वक्त एक हकूमत, पहले भी ये सिलेक्टिव थी, अब तो ये जो एक तमाशा रचाया गया था दो चार वोटों का, बानमती का कुंभा बनाया गया था, अब तो वो भी नहीं है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि इनके अब खात्मा कॉन्स्टिट्यूशनल वे जितने भी हैं वो इख्तियार करेंगे, हम कोई किसी के कंधों पे सवार होकर नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि जो ये अभी बार बार कहते हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, अरे भाई बात ये है कि आप लोग खुद ही काफी हैं अपने आप तबाह करने के लिए। अच्छा, बैरिस्टर साहब, ये मुराद शहीदों की, अरतियों की, पावडाओं की और बुजदारों की हुकूमत का लाई जा सकती है, बसरा साहब इन्होंने कहा, और उन्होंने कहा लेकिन हमें इसकी जरूरत जरा कम पड़ रही है क्योंकि आप लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी है कि उसी पर ये हुकूमत ज्यादा चल नहीं सकती। स्पीकर का इन्होंने जिक्र किया, आपको लगता है कि इवन सिर्फ अगर हम स्पीकर तक का समझ लें, ये ऑपोजिशन इतनी यूनाइट हो सकती है टू गेट द स्पीकर रिमूव्ड? देखिए नादिया, मैं अभी बड़े गौर से गुफ्तगू सुन रहा था, जो मैंने उसमें से नतीजा निकाला है उसमें यह है कि साढ़े लो ना ही समझो कि ये आपस में लड़े तो लड़े, आपस में ये गिरे तो गिरे, हम तो नहीं गिरा सकते इनको। देखिए बाद में फिर वही कहूंगा, मैं अभी ये कह रहे थे कि 160 वोट मिले, ओ भाई हमें 160 मिले तो आपको 120 मिले। आप तो कह रहे थे कि हमें बजट पास नहीं होने देना, बजट भी पास हो गया। बात नातिया सिर्फ मैं उसी पे आऊँगा, अभी मैं फिर कह रहा हूँ ये समझते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले उल्टे नाम लेकर, किसी के टेढ़े नाम लेकर वो बंदा अपना माइंड सेट शो कर रहा होता है कि उसके अंदर कैपेसिटी क्या है। मैं किसी का उल्टा नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इनको फिर दोनों पार्टियों को कहूँगा कि आप बार बार ये कहते हैं टीवी टॉक शोज में और कुछ नहीं। एक मिनट आमिर प्लीज, आपने बात की, मैं नहीं बोला ना, बात मुकम्मल कर लेने। आप मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे साथ 1500 बंदे निकलते थे, 1000 निकलते थे, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब हुकूमत नाकाम हो गई, लोग परेशान हैं, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, तो मेरे भाई आपका फर्ज बनता है कि आप सड़कों पे आवाम के साथ निकलें, लेकिन आप नहीं निकलेंगे। इसलिए नहीं निकलेंगे, ये गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, मज वाला, दूध वाला, भैंस वाला, कट्टे वाला, वो नहीं निकलने दे रहा आपको। नहीं, लेकिन बसरा साहब पीपल्स पार्टी तो सही कहा ना, बैरिस्टर साहब ने निकली है, बिलावल साहब तो निकले हैं। अच्छा सुने, नून लीग नहीं निकली है, वो सुन तो ले, कहां निकली है? जिस सूबे में हुकूमत है वहां निकली है। क्यों भाई,
सूबे में किस पे हमला, सुने ना बात कि कहां क्या निकलने के लिए निकली थी, सूबे में जिसमें खुद हुकूमत है, ये अपोजिशन नहीं है सूबे के अंदर कि वह जलसा जुलूस करें और अपनी पुलिस अपने लोगों को पटवारियों को लेकर लोगों को लेकर एसी को लेकर बसें भरें और जलसे करें। और भाई इनको मैं फिर कह रहा हूं, दूसरी बात दूसरे नादिया मैं अब कानूनी और आईनी बात पे आता हूं, इनको ये चाहिए कि फिर यहां पर डायलॉगबाजी ना करें। अभी मैं भाई की मायूसी सुन रहा था, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साढ़े नाल नहीं, हम तो मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी आएंगे तो हम अपोजिशन करेंगे। भाई आप तो अपना काम करें, अगर नून लीग नहीं जलसा जुलूस कर रही तो आपके क्या बंदे पूरे नहीं होते, हम आपको बंदे दे देते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिंगल हैंडेडली क्या पीपल्स पार्टी कैन पुल थ्रू दिस और नॉट, क्योंकि पीपल्स पार्टी जाहिर है एक बहुत बड़ी जमात है। बात ये है नादिया जी, नादिया पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर दी मेला मेला, अच्छा इनकी बात है वो। इसके ऊपर बैरिस्टर साहब जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। भाई आपने जलसा करना है, जुलूस करना है, धरना देना है, तरीके से इत्मीनान लानी है, तो किस बात का इंतजार है? किस बात का इंतजार है? अच्छा अच्छा बसरा साहब, बसरा साहब मैं जरा खेलदास कोहिस्तानी साहब से पूछ लूं ना, असल बात बिल्कुल सही है। चले बिलावल साहब अपने ही सूबे में निकले हों, गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने उनको देखा, हमने उनको खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हमें नजर नहीं आए। और वो जलसे इवन जब हमने देखा मौलाना साहब ने एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया दे दिया, उसमें भी हमने देखा कि नून लीग पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही कह चुकी थी, उनकी एक पॉलिसी थी कि जी हम धरना नहीं करेंगे, धरने की सियासत के हम खिलाफ हैं, लेकिन नून लीग ने भी वो साथ नहीं दिया। और इवन जो जलसे की बात है वो सब भी क्राउड नहीं हुए, जबकि नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब की हुकूमत के खिलाफ बड़ा जबरदस्त किस्म के जलसे करते थे, बहुत ही बड़े बड़े जलसे हुए जी। तो आपको क्या दूसरी गैबी मदद का इंतजार है? नादिया तू क्यों तुसी क्यों इन्हां नूं गर्मी च मरवाना है ना जा रहे हैं? नहीं नहीं बसरा साहब जरा कोहिस्तानी साहब को पहले बोलने दीजिए फिर उसके बाद आप मरवाना चाहते हैं आप? चलिए नादिया नादिया बात देखें ये है कि अगर जो हमें मौका मिला था मौलाना साहब ने जब धरना दिया था हम भी वही काम करते जो पीटीआई हमारे खिलाफ कर चुकी थी 2014 में। हम जाके लाखों लोग लेके इनको इनकी हुकूमत पे और पीटीवी पे हमला करते, वजीर आजम हाउस पे हमला करते, पार्लियामेंट की बेतौकी भी करते और इस हुकूमत को गिरा देते, मगर हमने नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब का अगर ये फैसला मैं समझता हूँ ठीक था, हम चाहते हैं देखें दूसरी पहली ये बात जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब सही अपोजिशन नहीं कर रहे, मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हुआ है, कितने दिन उसको रखा गया, शहबाज शरीफ का कसूर क्या था? वही बात जब वो आवाम की बात कर रहा है, अच्छा केस सारे झूठे हैं और एक एक करके हमारी पूरी सीनियर लीडरशिप जो दो रो असेंबली में बैठती जिस जिसने बात की आज तक वो भुगत रहा है, कल तक भुगत रहा था। तो बात ये कि बिल्कुल हमने ये काम नहीं किया जो पीटीआई ने किया, हम ना करना चाहते हैं। और अगर दूसरी बात आप पॉपुलरिटी की, आज जो सर्वे आया है मतलब गुज़श्ता दिनों सर्वे को छोड़े सियासी सियासतदान रोड पर भी निकलता है, आवाम को भी इकट्ठा करता है। बताऊं मुस्लिम लीग एक खालिक जमात है और मुस्लिम लीग एन उस कायदेज़म के पाकिस्तान को आगे लेके चल रही है, उसने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है, तरक्की और खुशहाली दी है। हम एक पौधा ना तोड़ेंगे, ना किसी पार्लियामेंट पे हमला करेंगे, ना कोई ऐसा काम करेंगे। हमारी पॉपुलरिटी आप आज भी देख ले, आज भी पॉपुलर अवाम ये देख रही है कि इमरान खान इस पावर से मुल्क को नहीं निकालेगा, शहबाज शरीफ निकालेगा। अच्छा आज भी नहीं, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एक कांटेक्ट होता है अवाम के साथ पॉलिटिक्स में। एक मिनट को इस्तानी साहब, ये बात मान रहे हैं आप, चले उन केसेस को भी छोड़ दें, एक मुनज्जम तहरीक को भी छोड़ दें, धरने को भी छोड़ दें, एक जलसा भी कर पाइए नून लीग? देखिए जलसे मैं आपको बताऊं कि जलसे आपने देखे मरियम नवाज निकली थी ना, उसके वो बाद कश्मीर जाना चाह रही थी। हम तो अभी शहबाज शरीफ साहब को बोल रहे हैं, अभी तो मरियम नवाज खामोश हैं। मैं शहबाज शरीफ भी आता हूँ, सारे हमारे लीडर हैं, लाखों लोग निकले थे रात को 4-4 बजे, मरियम नवाज को जेल में बंद कर दिया गया और बाकी जो शाहिद खाकान अब्बासी भी जब जलसे करना शुरू किए, कन्वेंशन शुरू करने, जेल में बंद कर दिया, पार्लियामेंट में बोलना चाह उसमें बंद कर दिया। हमारे पास ऑप्शन है, आज भी है, ये हम हुकूमत इसी तरह गिरा दें, मगर हम इनको सियासी शहीद करना नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के अवाम को चाहते हैं, जो लोग कुछ लोग जो चंद लोग चाहते थे तब्दीली, उन्होंने तब्दीली का मजा चख लिया
उन्होंने देख लिया कि ये कैसी तब्दीली है, ये 22 साल जो झूठ बोलता रहा ये शख्स okay, इस तरह इसने okay, मैं ब्रेक ले रही हूं, मैं ब्रेक ले रही हूं, जरा आखिरी मैं ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, जब ब्रेक से वापस आएंगे उन्होंने सारी अपनी जवाब पेश कर दी है कि क्यों पीएमएलएन जो है वो जलसे नहीं कर सकी, तो सारी कहानी जो है वो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा तक आकर रुक जाती है, उसके बाद यूं लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब शायद कैन नॉट पुल दैट क्राउड, आई मे बी रॉन्ग बट अखज हम यही करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बैरिस्टर साहब ने एक गैबी ताकत का जिक्र किया, ज़रा इसी से रिलेटेड उनसे एक सवाल पूछ लेते हैं इस मुत्तहद अपोजिशन के हवाले से, और जाहिर है कि बसरा साहब की ने जो बात की है उसमें भी कुछ हद तक सदाकत तो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात नहीं है जिसमें मोहतरमा शहीद जिस तरह से एक सारे सूबों में क्राउड पुल करती थी, पंजाब में पीपल्स पार्टी बहरहाल बिल्कुल महदूद होकर रह गई, तो क्या यही वजह है कि अकेले सिंगल हैंडेडली इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी एक पार्टी मेरे ख्याल से वो प्रोटेस्ट या वो अपोजिशन करके नहीं दिखा सकती। लेट्स टेक अ ब्रेक। बैरिस्टर साहब, क्योंकि वक्त ज़रा कम है, मैं चाहूँगी ज़रा इस पर ज़रूर रोशनी डालेगा, आपने गैबी ताकत का जिक्र किया कि पीटीआई के साथ तो सब कुछ था जब वो अपोजिशन में थे, क्या समझते हैं कि कोई ऐसी ताकत भी है जो अपोजिशन को मुत्तहद होने से रोक रही है? हाँ, मिजाज है डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ का, लेकिन फिर क्या ये भी कोई एक उनसर आप देखते हैं? जितने भी गैर जानिब तजिया कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख और हमारी अपनी सियासी तारीख इस चीज को बताती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी खुफिया कुवतों से, गैबी कुवतों से ना तो कोई इशारे लेती है और ना ऐसी सियासत करती है। जो हमारे दोस्त रहे हैं या जो आजकल हैं उनकी प्रॉब्लम हो सकती है और उन्हें देखना चाहिए, और ये एनालिसिस आप कर सकती हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की, हम लोग अगर कोई रोक रहा है तो हमें बताना है। लेकिन अब पीएम बारे में अगर ये सवाल आते तो मरियम अब क्यों खामोश हैं, मियां साहब कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं देते, ये बातें ये हुकूमती लोग उठाते हैं, तजिया निगार कहते हैं, हमसे भी सवाल होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इत्तेहादी जमात है अपोजिशन में तो हम उसके बारे में ऐसी बात सोचते नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि मरियम बीबी बोलेंगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने मुजामती अंदाज में बोलेंगे, क्योंकि आज जरूरत है वोट को इज्जत देने की ना, तो ये अगर वो बात करेंगे तो खुद ब खुद इनके सबके प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएंगे। हाँ। दूसरी बात जो आपने बीबी के बारे में कही कि बीबी देखें नादिया, बिल्कुल बी की शहादत के बाद हमें नुकसान हुआ है, ये बात साबित हुई है कि बीबी चारों सूबों की जंजीर थी। अब हमें पार्टी को दोबारा से एक मुश्किल मरहले से गुजारना पड़ रहा है, और समाज के अंदर, पंजाब के समाज के अंदर जो ये कुवतें थी पार्टियों को तोड़ने वाली, और सिर्फ पीपल्स पार्टी को तोड़ने वाली, सारी खुफिया कुवतों ने हर वक्त में एक जमात बनाई है, कभी नून लीग बनाई है, कभी क्यू लीग बनाई है, फिर पीटीआई बनाई है, और इसी तरह हर वक्त इनके खिलाफ नून बन रही थी तो पीपल्स पार्टी को तोड़ा जा रहा था, काफ बन रही थी, ठीक है, सो इट्स अ फैक्ट राइट नाउ, इट्स अ फैक्ट राइट नाउ, पीपल्स पार्टी को तोड़ा जा रहा था, ये तो मसूफ बैठे हैं, इधर से टूट के गए हुए हैं। तो आप इसे अंदाजा करें कि हम लोग इसके बावजूद पीपल्स पार्टी मौजूद है, अपने नजरिए के साथ मौजूद है, मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त पंजाब के अंदर और बुजदारी राज के अंदर, अब आपको नजर आएगी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला, अभी हम जॉइंटली अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अकेले भी निकलेंगे, और ये कोई इनकी कारकर्दगी इनके जलसों से पीएमएलएन की हुकूमत को टूटी तो नहीं थी, उन्होंने 5 साल पूरे किए थे, आप लोग बस एक वो जो इस एम्पायर की उंगली पे सियासत कर रहे थे वो पता लग गई, और आपने सारी बातें की कि स्टेट ड्रामा जुगते, और आपने जुगतों और स्टेट ड्रामे वाले रंगीलों के अलावा कोई बात अच्छा, ही नहीं की अपनी चले, ये साबित हो जाता है आपका। अच्छा सही है बैरिस्टर साहब, आपने ये बात कही, बिल्कुल आपने यू नो यू अग्री टू इट कि हाँ पीपल्स पार्टी मुश्किलात ज़रूर फेस कर रही है, और एक दोबारा से एक इरतकाई अमल आई वुड से, लेकिन आप कहते हैं कि वक्त पड़ा तो अकेले भी निकल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल अपोजिशन के साथ चलेगी। कोहिस्तानी साहब, बिल्कुल सही कहा बैरिस्टर साहब ने, ये सवाल बारहा उठते हैं और ये उठते रहेंगे कि क्यों मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं, जब आप कहते हैं कि 4-4 बजे तक पूरा क्राउड पुल कर लेती थी, तो फिर यू नो यू आर गिविंग दैट इम्पेचस टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो वो कहती है कि इनके तो आपस में खानदानों में लड़ाई है कि कौन लीडरशिप लेगा, और इसी वजह से ये इतनी खामोशी छाई हुई है। दूसरी गैबी ताकतों का भी सबके सामने है कि सब कहते हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करके सियासत करने में बिलीव करते हैं शहबाज शरीफ साहब। नादिया देखें, मैं बैरिस्टर साहब की, मेरे पास बहुत दलील और मेरे पास बड़ी
चीजें हैं, मैं बात कर सकता हूं सिंध के हवाले से उसकी, छोड़ दें, अभी आप लोग लड़ नहीं सकते, अभी आप मुत्तहिद अपोजिशन बने। मैं देखें, इनका ताल्लुक पंजाब से है और ये इनको इनकी राय है अपनी जाति, मगर इसकी लीडरशिप आज भी हमारे साथ है, रबते में भी है ना, हमारे दरमियान कोई ऐसी बात है, इनका जाति ओपिनियन है, हो सकता है मेरा भी हो सकता है, मैं अपना नहीं करूंगा इजहार, मुझे मैं, मगर मैं आपको जो आप मरियम नवाज का सवाल आपने उठाया है, देखें इस वक्त पार्टी का जो कैप्टन है, सदर है, वो शहबाज शरीफ साहब है, पार्टी का जो कायद है वो नवाज शरीफ साहब है। मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज जो है वो ओपनिंग बैट्समैन है इस टीम की, और वो किस वक्त खेलेगी, किस वक्त या तो वो वन डाउन आएगी या ओपनिंग आएगी, उसका फैसला कैप्टन करेगा। मैच किस मैच कब होगा इसका फैसला कौन करेगा, पहले ये बता दें। आप मुझे मौका दें, देखें ना, ये मरियम नवाज से डरते हैं, उसके एक चूट से हुकूमत हिल जाती है। जब मरियम नवाज आजाद कश्मीर में जा रही थी, कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए उसको जेल में रख दिया गया। कल जब भी पार्टी की लीडरशिप, मरियम नवाज खुद कह चुकी है, जब मुझे पार्टी कहेगी मैं बिल्कुल बात करूंगी। ओके, सही है, समझ गए, मैं लीडरशिप की, क्योंकि लास्ट मिनट है, आई वुड वांट बसरा साहब ने दोनों बातें सुन ली हैं। बसरा साहब, पीपल्स पार्टी में आप रह चुके हैं, जानते हैं कि ऑपोजिशन करना जानती है, बहुत कुछ फेस किया है और करने को तैयार रहती है, नून लीग के हवाले से क्या रीडिंग है आपकी? अब देखिये, मैं फिर आपको कहूँ कि अगर ये हुकूमत गिरा सकते या जलसे जुलूस कर सकते तो ये जुगतबाजी या डायलॉग नूरी नाथ वाले इधर आके टीवी पे ना बोलते, सड़कों पर आ जाते, इससे आप समझ। और अभी आप देख लेना, अभी आप लड़ाई इनकी ना खत्म करवाती, ये तो दोनों अभी यहीं पे शूटिंग करने लगे थे, वो कहता है ऐ मुखलस नहीं, वो कहते नहीं ऐ मुखलस नहीं। तो बात ये है कि अभी आप गैबी कुवत की बात कर रही थी, देखें ये एक लंबा टॉपिक है कि कौन पहला चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, किसने एनआरओ करके जो पाकिस्तान में आए, फिर ये नून लीग देख लें, जियाउल्लाह के सियासी जानशीन, इनको छोड़ देते हैं, बात ये करते हैं जो टॉपिक आपने शुरू किया करते हैं। अच्छा ये देखिए ना, दोनों अपोजिशन आप तो इकट्ठी हो जाओ, मेरे साथ क्यों लड़ते हो आप लोग ना, आप लोग ये जो मैं देखे सुने नादिया, मैं इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा, इनकी जिंजलाहट समझ सकता हूँ। ये बेचारे इसी जोगे हैं। अच्छा, लेकिन आप अंडर एस्टिमेट ना करें, देखिए मेरी बात सुने, अंडर एस्टिमेट किस तरह ना करूँ। आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था, जब मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा हमारे लोग तो नान खाने वाले हैं, पिज्जा खाने वाले हैं, वो मछली खाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, हम क्या करें लोगों को बाहर लेकर आए। ख्वाजा सब स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। सही, सही। अच्छा, उसके बाद मैं फिर कहता हूँ, आप इन तिलों में तेल नहीं है, ये इसी तरह बेचारे बातें करते रहेंगे, इनके अपने बंदे इनके साथ नहीं है, हमने सेनेट में देखा है। असल बात ये है, अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आखिरी अगर बात अपोजिशन पर तक आ गई है ना, तो फिर इन्हें ना ही समझो, क्यों गर्मी च मरवा दे ना बेचारे, 50 सेंटीग्रेड गर्मी है। वही बात जो अभी बरसे साहब ने कही है कि अभी मुलाकातें होनी है और फिर आप देख लीजिएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल अभी तक बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने अग्री किया है कि जो रोल ऑपोजिशन लीडर का, बिल्कुल सही बात है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इस्तेहकाक होता है कि वो कभी भी उठकर बात कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब बवजह केसेस, फिर बवजह बीमारी, पार्लियामेंट में ज़रा कम ही नजर आए, और उस तरह का रोल जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कर सकता है वो नहीं कर सके। फिर ये बात भी सच है कि सड़कों पर निकलने की सियासत के दोनों पार्टियों के अपने अपने जवाब मौजूद हैं, धरने की सियासत में यकीन नहीं रखते क्योंकि दोनों ने फेस किया है इस धरने की सियासत को। लेकिन बहरहाल अब जब कह रहे हैं कि हम कोई तहरीक भी चला सकते हैं, और ये बात नून लीग ने कही थी, वहाँ से शुरू हुई थी ड्यूरिंग द फेडरल बजट, देखना यह है कि अब जो मुलाकातें होंगी, और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब मुलाकातें कर रहे हैं सिंध में इस वक्त, ये सब मिलकर क्या कुछ दिखा सकेंगी, कोई इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कोई परेशानी है, या जैसे दोनों जमातें ये भी साथ कहती हैं कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो खुद उनको लेकर डूबेगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगले हफ्ते तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।